ऐसे बहुत सारे जो यंग बच्चे हैं जो कि एक ऐसी कंपनी में रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनकी लाइफ की कोई अचीवमेंट नहीं है, तो कितना असर, मतलब माएं अक्सर बड़ा बोलती हैं बच्चों को कि फलां दोस्त के पास मत जाओ, उस रिश्तेदार के पास मत बैठो, लाइफ के गोल रखो, अपने एम रखो, और बच्चे समटाइम नहीं सुनते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी उस चीज को, तो बड़ा असर पड़ता है। मतलब एक बच्चा जो कि 10th क्लास का स्टूडेंट है और वो नाकाम लोगों के साथ बैठना शुरू कर दे तो वो उनसे क्या सीखेगा? मैं आपको बताता हूं, कहा जाता है कि यू आर एवरेज ऑफ योर क्लोज 5, आपके जो करीब तरीन 5 लोग होते हैं आप उनकी एवरेज बन जाते हैं। अगर आप अपने से बेहतर लोगों में अपने स्पेंड करते हैं, अकली तौर पे बेहतर, शौर के लिहाज से बेहतर, विजन के, टारगेट्स के लिहाज से, जो भी बेहतर लोग हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता उन जैसे बनने लग जाते हैं। आप अपने से नीचे वाले लोगों में बैठते हैं जिनकी आप मिसाल कर रहे हैं, वो आपको नीचे खींच लेते हैं। तो आप ये देख लें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, जिस तरफ जाना चाहते हैं उस तरह के लोगों में बैठना। यानी कंपनी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और हर तरह की कंपनी होनी चाहिए। रिपीट कर देता हूँ, यू आर एवरेज ऑफ योर क्लोज 5।